दोस्तों, मनाली हो या मसूरी, शिमला हो या नैनीताल जैसे पहाड़ी शहरों की खूबसूरती, या फिर केरल जैसे शहरों के दिलकश नज़ारे, गोवा के समुद्री तट यानी कि बीच हो या राजस्थान के ऐतिहासिक स्मारक, धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर हो या प्राचीन संस्कृति से ओतप्रोत अन्य शहर, भारत की सुंदरता पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान रखती है और इन्हीं वजहों से भारत में पर्यटकों की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन फिर भी भारत के 6 राज्य ऐसे भी हैं जो खूबसूरत तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बदनाम भी हैं। और इस बदनामी की वजह से ही इन राज्यों में सैलानी आना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं उन 6 राज्यों के बारे में जहां पर्यटक घूमने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इन राज्यों के नाम जानकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका इसमें कुछ खर्च नहीं होगा। तो दोस्तों, पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। चलिए भारत का नक्शा देखिए। भारत के उत्तर पूर्व हिस्से यानी कि नॉर्थ ईस्ट हिस्से में मौजूद ये बेहद ही खूबसूरत राज्य है। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे रहस्यमय राज्यों में से एक है और इस राज्य की सीमा चीन से लगती है। दोस्तों, यहाँ पर पर्यटकों को घूमने के लिए इनर लाइन परमिट बनवाना होता है और यही सबसे बड़ी वजह है कि पर्यटक यहाँ आने से परहेज करते हैं। लेकिन यहाँ के जबरदस्त नेचुरल सीनरी के नज़ारे देखने लायक है। यहाँ पर 400 साल पुराने मठ, तिब्बती संस्कृति देखने लायक है। यहाँ की बोमडिला और जीरो घाटी के दृश्य अपना अलग ही रुतबा रखते हैं। दूसरा बदनाम राज्य है झारखंड, जो अपनी देहाती चीजों से घिरा हुआ राज्य है। यहाँ के घने जंगल, संथाल, मुंडा, गोंड आदि के सदियों पुराने आदिवासी समुदाय पारंपरिक जीवन शैली, रीति रिवाजों और लोक कलाओं से जुड़े हुए हैं। आदिवासियों को आश्रय देने के अलावा झारखंड के जंगल विदेशी वन्य जीवों और जोना और हुंडरू जैसे शानदार झरनों का भी घर है। इन सब के अलावा ये राज्य कई एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पर्यटक ज्यादा आना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, तीसरा राज्य है मणिपुर। जैसे ही आप मणिपुर पहुँचेंगे, आपको यहाँ कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। गैर देसी पर्यटकों के लिए सुरक्षित एरिया परमिट या इनर लाइन परमिट की वजह से भी पर्यटकों का यहाँ आना कम रहता है। लेकिन अगर गहरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों, हरियाली से ओतप्रोत जगह देखनी है तो मणिपुर देखने लायक जगहों में से एक है। अगर आप मणिपुर घूमना चाहते हैं तो तामेंगलोंग, उखरुल और थोबल का खूबसूरत नजारा आप जरूर देखने जाइए। चौथा राज्य है उड़ीसा। प्राकृतिक नजारों के अलावा घने जंगलों से घिरा वन्य जीवन या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का खजाना ये राज्य ही है। उड़ीसा एक ऐसी जगह है जहां आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, फिर भी अपनी अद्भुत चीजों के बावजूद यात्रियों द्वारा इसे अनदेखा किया जा रहा है। आर्यपल्ली और पुरी जैसे शांत समुद्र तट, प्राचीन कोणार्क सूर्य और भीतरकर्णिका वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा के कई अलग अलग आकर्षण यहाँ पर मौजूद है। पांचवा राज्य है नागालैंड। नागालैंड जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है, न केवल प्रकृति चीजों से ये राज्य घिरा हुआ है बल्कि सांस्कृतिक चीजों से भी घिरा हुआ एक खूबसूरत राज्य है। नागा योद्धाओं की 16 स्वदेशी जनजातियाँ सदियों पुरानी परंपराओं, लोक कलाओं, नृत्य रूपों और संगीत की रंगीन दुनिया बनाती हैं। कोहिमा में आप चर्चों और कैथेड्रल के माध्यम से वर्षों से लाए गए सांस्कृतिक और धार्मिक चीजों को आप देख सकते हैं। शानदार परिदृश्य का आनंद लेने के लिए दीमापुर, फेक या किफिर आप इस राज्य में जा सकते हैं। दोस्तों, छठवां बदनाम राज्य है हरियाणा। अतीत की चीजों से घिरी इस जगह पर भी पर्यटकों को भी कम घूमते हुए देखा जाता है। पंजाब और दिल्ली के अपने पड़ोसी क्षेत्रों के बीच स्थित हरियाणा कुरुक्षेत्र और पानीपत जैसे स्थानों के रूप में अत्यधिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से घिरा हुआ है। फरीदाबाद, अम्बाला और पिंजौर जैसे शहरों में आप आनंद और उत्सव का, कोई त्योहार हो उसका भरपूर मजा ले सकते हैं। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।